दिल्ली में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण पदक जीतकर आने पर नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन और भाजपा नेता संदीप डोंगर सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया। पूरे जाने दो। ये गोल्ड है बस 15 किलो। चलो हाथ में रखो, ऐसे बताओ, सामने देखो, ऐसे बताओ। ऐसा करो भैया, आप ही करा दो। चलो भाई साहब, यही तो भाई साहब, यही तो जब हमारे विदिशा शहर के प्रतिभाशाली बच्चों ने ऑल इंडिया ताई कमांडो प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर ये मेडल प्राप्त किए हैं, मैं पूरे शहर की ओर से बच्चों का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। ताई कमांडो के क्षेत्र में नित्य नए आयाम हमारे बच्चे स्थापित कर रहे हैं। विदिशा शहर में सुरक्षा की दृष्टि से बेटे और बेटियाँ दोनों इस प्रशिक्षण में लाभ ले रहे हैं। मैं सभी कोचेस को और शहर में चल रही सभी संस्थाओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना। दिल्ली में 4 तारीख से स्टार्ट हुई इंडियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप कुकी मोन कप, जिसमें हमारे विदिशा शहर के वासियों के बच्चे ताइक्वांडो खिलाड़ी, इसमें 18 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए और एक रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त हुआ। और आज जो विदिशा में ताइक्वांडो खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे पदक प्राप्त कर रहा है, इसमें आदरणीय डोंगर भाई साहब, आदरणीय मुकेश भाई साहब का बहुत बड़ा सहयोग है। आगे कोशिश है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप से, ओलंपिक से, एशियन चैम्पियनशिप से हमारी पूरी कोशिश लगी है कि हम मेडल्स लेके आए, कंट्री को, राज्य को और शहर को पूर्णता से गौरवान्वित करेंगे ही।